नमस्कार दोस्तों, बी आर क्रिएटिव चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे मेनू में, कोरल मेनू में बिटमैप, और बिटमैप में हम देखेंगे यहाँ पे स्टेटन इमेज और एडिट बिटमैप, क्रॉप बिटमैप और रिसैम्पल, ठीक है। इसमें हम देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे मोड, यहाँ पे मोड भी हम इस पर कम्प्लीट करेंगे। और सबसे पहले हमें इसमें इमेज में सेलेक्ट करना है, और सबसे पहले जब तक हम इमेज में सेलेक्ट नहीं करें तब तक हमारे पास जो ये ऑप्शन ये विजिबल नहीं होगा, क्योंकि हमें ये बिटमैप में जब तक हम ये इसको ये हमारे एक्चुअली इमेज जो है ये बिटमैप में है। और यहाँ पे अगर आपको कन्वर्ट टू बिटमैप करना तो यहाँ से अगर कोई से अगर ऑब्जेक्ट है तो आप यहाँ से कन्वर्ट टू बिटमैप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्टेटन इमेज, इस पर जैसे क्लिक करते हैं हमारे पास इस तरह से कुछ ऑप्शन खुल के आता है। और सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका जो है हैंड टूल है, इसको मूव करने के लिए, मान लीजिए इसको जूम कर दिया और इसको मूव करने के लिए ये हमारे पास इस तरह से काम आता है। मान लीजिए इसको जूम आउट यहाँ पे कर दिया और इसको हम थोड़ा सा मूव करना चाहते हैं इधर की साइड में, तो अब इससे हम क्या करते हैं, इससे अगर मूव इधर उधर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे है आपका डिस्प्ले फिट, अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिस्प्ले में पूरा फिट आ जाएगा। ये है आपका 100% जूम है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे और इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो इस तरह से 100% जूम में आपका दिखाएगा। इसमें मैं करता हूँ फिट साइज, और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे करेक्ट लेंस डिस्टॉर्ट, अगर जैसे आप इसमें क्या होता है अगर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंजिंग आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, जो इमेज है यहाँ पे जो देखेंगे यहाँ पे चारों तरफ से इमेज को क्या होता है, यहाँ से ये बीच में से ये ऊपर की तरह उभर के आ रहा है। आप देखेंगे जैसे अगर ऊपर की तरह ये चारों कोना अंदर की ओर जा रहा है यहाँ पे, और जो ये जो बीच का जो इमेज है ये इस तरह से आ रहा है। अगर मान लीजिए हम इस साइड लेके जाते इस साइड में, तो ये क्या करेगा, ये अंदर की साइड में चला जाएगा और ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से आपको जो है डिफरेंस आपको इससे पता चलेगा। और ये जो आपका यहाँ पे देखेंगे रोटेट इमेज, आपको अगर इस तरह से अगर करते, अगर मान लीजिए इसको रोटेट करना है किसी भी तरह से रोटेट करना है तो यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे नीचे जो है यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन, अगर मान लीजिए आपको ये क्रॉप करना है तो इसको सिलेक्ट करें, अगर नहीं करना तो अनसेलेक्ट रहने दें, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जो गाइड है इसके जो कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आपको मान लीजिए येलो करना है या रेड करना है तो यहाँ से आपका जो गाइड का कलर है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और गाइड यहाँ पे ज़्यादा कम यहाँ से कर सकते हो, मान लीजिए इसको ज़्यादा करना है या बड़ा करना है या छोटा करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं आपको गाइड कितना रखना है, आप गाइड के हिसाब से यहाँ पे जो है इमेज यहाँ पे काम करेगा। और इस तरह से आप जैसे करेंगे तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो बाकी आप यहाँ से एक एक करके ऑप्शन चेक करेंगे तभी आपको समझ में आएगा पूरा डिटेल में। तो इसको आपको चाहिए तो ओके कर दे, और नहीं चाहिए तो आपको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे देखेंगे एडिट, यहाँ पे एडिट पे इसलिए क्लिक नहीं कर रहे क्योंकि अगर हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देंगे तो ये कि दूसरा जो हमारे पास कोरल पेंट है तो उस पर जाके ओपन हो जाएगा, और उसमें क्या करना है आपको अगर कुछ इसमें एडिट करना है तो उसमें जाके आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो क्रॉप बिटमैप है, अगर हमने वहाँ से एनेबल कर देते तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्लिक यहाँ पे जो है ये विजिबल होता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखेंगे रिसैम्पल पे जैसे क्लिक करते तो हमारे पास इस तरह से कुछ डायलॉग बॉक्स आता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज साइज, तो इमेज यहाँ पे देखेंगे रिसैम्पल, इसके जो इमेज साइज है विड्थ कितना है, हाइट कितना है इसका, और रेजुलेशन आप देख सकते हैं यहाँ 84:84 है और DPI पे है, और यहाँ पे जो ओरिजिनल इमेज साइज है इसका कितना जा रहा है। आपको यहाँ से अगर कुछ चेंज भी करना है तो आप यहाँ से जो सैम्पल जो है यहाँ पे सैम्पल है, अगर कुछ यहाँ पे देखेंगे यहाँ मिलीमीटर्स में है क्या है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए आपको यहाँ से चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। जैसे ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ से चेंज हो जाएगा और यहाँ पे जो इमेज है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो रेजुलेशन है आपका जो रिसैम्पल है, मान लीजिए इसका कोई दूसरा रिसैम्पल करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, यहाँ से इसका मतलब पूरा जो इमेज का जो कितना क्या है, इसका जो पूरा बायोडाटा है यहाँ से आप देख सकते हो, इसका जो साइजेस है और विड्थ हॉरिजॉन्टल कितना है पे कितना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। आपको चाहिए तो रखिए और नहीं चाहिए तो यहाँ से कैंसिल कर दें। उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखेंगे मोड, यहाँ पे मोड का ऑप्शन है,
और मोड के ऑप्शन में हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से कुछ ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। अब देखेंगे, अब जैसे इसको हम थोड़ा सा नीचे करते, मान लीजिए इसको नीचे करते तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आ जाता है। अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे लाइन आर्ट, अब जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी ये लाइन आर्ट में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। अगर लाइन आर्ट में कोई पेंट करना है या प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ से लाइन आर्ट करके अब जैसे ओके करेंगे तो आपका जो प्रीव्यू है मतलब यहाँ पे इस तरह से दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर्स, जैसे इसको करेंगे तो ये इस तरह से दिखाएं देखने को मिलेगा। और इसको ज़्यादा कम करना है तो यहाँ से आप नीचे से यहाँ से कम कर सकते हैं, ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं नीचे। उसके बाद जारबिक्स है, यहाँ पे देखेंगे इसको इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, आपको अलग अलग पेंट के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर ज़्यादा कम करना है तो आप यहाँ से नीचे से आप कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे देखेंगे और एक ऑप्शन है यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, बाकी एक एक ऑप्शन जो है यहाँ पे आप जैसे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है प्रीव्यू में आपको देखने को मिलेगा। अगर इस तरह से कुछ इमेज आपको क्रिएटिव बनाना है तो आप इस तरह से बना मतलब करके आप बना सकते हो। ये इफेक्ट का यूज़ करके यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसको कम ज़्यादा यहाँ से नीचे से आप कर सकते हो। ठीक है, आपको रखना है तो यहाँ पे ओके कर दे और नहीं रखना तो आप यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे मोड पे, मोड पे ग्रे स्केल, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो क्या करेगा इस इमेज पे ना बिल्कुल ग्रे स्केल कर देगा, ब्लैक एंड वाइट में ये पूरा हो जाएगा। इसको कंट्रोल जेड करते हैं और उसके बाद बिटमैप में आते हैं, उसके बाद आते हैं मोड। मोड पे आप यहाँ पे देखेंगे ड्यू टोन, ड्यू टोन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आएगा। और ड्यू टोन का जो है यहाँ पे देखेंगे आपको ड्यू टोन रखना कैसे, किस तरह से आपको इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब जैसे नीचे करेंगे आपको क्या है, ये प्रीव्यू में है और जैसे मान लीजिए इसके ओवर पेंट है। ठीक है, अब ओवर पेंट में आपको कुछ करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, और कर्व से थोड़ा सा ज़्यादा कुछ करना है यहाँ पे थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ इफेक्ट इसका होता नहीं है, बट इसको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे करेंगे तो आपको इफेक्ट देने को यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको रखना है तो रख लीजिए, नहीं तो यहाँ से कैंसिल कर देते। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मोड में आएंगे और मोड पे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो है ये प्लेटेन, यहाँ पे प्लेटेड है और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे और ये प्लेट्स जो है यहाँ पे देखेंगे ये प्लेटेड है और कन्वर्ट टू प्लेटेड, और इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे देखेंगे इस तरह से आपको जो देखने को मिलेगा, इस तरह से देखने को मिलेगा। और जैसे आप यहाँ पे इस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से देखेंगे और ये इस तरह से होता है और ये डिफ़ॉल्ट में है, आपको किस में रखना है तो इसमें रखना है, इसमें रखना है, डिफ़ॉल्ट में रखना है, तो जिस तरह से रखना है तो आप यहाँ से देख के रख सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे रखकर किस कलर में चाहिए, मान लीजिए ये जो है किस कलर में चाहिए, तो यहाँ पे अगर इस कलर में चाहिए तो यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलेगा। आप यहाँ से इस तरह से रख के आप सेव, जैसे सेव करेंगे तो आपके पास उस तरह से सेव हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म यहाँ पे देखेंगे यूनिफॉर्म कलर है और यहाँ पे देखेंगे कलर स्टाइल प्लेट्स है, यहाँ पे किस तरह से रखना है आपको यहाँ पे रख सकते हैं। आप मान लीजिए इस तरह से रखेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे ये चेंज होने को देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ से जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो अब एक ही करके आप यहाँ पे चेक, यहाँ से चेक करें और जैसे चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें कुछ आपको यहाँ पे जैसे ग्रे स्केल रखेंगे तो ये पूरा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे सिस्टम देखेंगे और सिस्टम का जो कलर है यहाँ पे वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे बिटमैप में आता है जो है, उसके बाद हम मोड पे क्या है, मोड पे अब जाएंगे और उसके देखेंगे यहाँ पे लैब कलर, जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो लैब कलर है वो यहाँ पे आ चुका है। ये लैब कलर यहाँ पे देखने को ये लैब कलर में कन्वर्ट हो गया है। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आरजीबी कलर, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आरजीबी कलर पे हो गया है। ठीक है, अगर लैब में अगर प्रिंट कराना है तो आप लैब कलर रखें, अगर कोई फेसबुक इंस्टाग्राम इस पर अगर आपको इसको प्रिंट या उसमें अगर पोस्ट कुछ भी बना रहे तो आप आरजीबी बनाएं, अगर कोई प्रिंट आउट निकालना है तो आप मान लीजिए लैब कलर, अगर लैब से अगर कुछ प्रिंट आउट निकालना है तो आप लैब कलर यूज़ करें, अगर किसी मान लीजिए आपको कोई प्रिंट आउट चाहिए तो CMYK का यूज़ करें। ठीक है, अगर पोस्ट के लिए आप वेब के लिए आरजीबी कलर यूज़ करें। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो है ये देखिए CMYK, जैसे अगर क्लिक करेंगे तो ये CMYK में चेंज हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर फिर से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो आपको आगे भी देखना है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।